हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्रम मैजिक आर्ट। आज हम लोग मैक्रम तोरण बनाएंगे। इसके लिए मैंने रामा ग्रीन कलर लिया है, येलो कलर भी लिया है, दो कलर लिए हैं मैंने। आप अपनी चॉइस से ज़्यादा भी ले सकते हैं। दो रिंग लिए हैं मैंने, ये 1.5 इंच की रिंग है। बेल लिए मैंने, जिंगल बेल लिए ये मैंने। इसके अलावा चेरी शेप बेल भी लिया है मैंने, सीजर एंड लाइटर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मैक्रम तोरण बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने रिंग अटैच कर लिया है। इसमें अब हम कॉर्ड डालेंगे। मैंने ग्रीन कलर की कॉर्ड लिया है, ये ग्रीन कलर के मैंने रामा ग्रीन कलर की 2 कॉर्ड्स लिए हैं, 6 मीटर ईच। आप अपने डोर की लेंथ के हिसाब से इसे ले सकते हैं। तो पहले ये वाला कॉर्ड अटैच करेंगे हम। इसके बाद ये मैंने येलो कलर का कॉर्ड लिया है, ये भी 6 मीटर ईच। हर कॉर्ड को मैंने 6 मीटर ईच लिया है। येलो कलर के हम 4 कॉर्ड अटैच करेंगे बीच में। और कॉर्ड हमने येलो कलर के लगा लिए हैं और एक ग्रीन कलर का कॉर्ड हम इस साइड लगाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 कॉर्ड लिए हैं। 2 रामा ग्रीन कलर के कॉर्ड है जो हमने कॉर्नर पे लगाए हैं, 4 येलो कलर के कॉर्ड हैं जो हमने बीच में अटैच करे हैं। टोटल 6 कॉर्ड है, 6 मीटर ईच। अब हम बीच में सबसे पहले 2 कॉर्ड में स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद साइड वाले कॉर्ड से, कॉर्नर वाले कॉर्ड से हम सारे कॉर्ड पे यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। वन साइड की पाइपिंग हमने कंप्लीट करी है। इसी तरह इस कॉर्ड पे सारे कॉर्ड से हम इस साइड भी पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस साइड की पाइपिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड वाला जो हमारा यहाँ पे एक और रामा ग्रीन कलर का कॉर्ड बचा है, इस पर भी हम पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम इस कॉर्ड पे भी सारे कॉर्ड से पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4 कॉर्ड ग्रीन वाले, रामा ग्रीन वाले बीच में आ गए हमारे। अब यहाँ पे हम फिर से सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम 3 स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
वन टू थ्री, थ्री स्क्वायर नॉट लगा ली है हमने। इसके बाद हम इसे इस तरह, ये जो यहाँ पे गेप दिख रहा है यहाँ से हम पीछे की साइड डालेंगे कॉर्ड को और इस तरह खींच लेंगे इसे हम। तो ये वाली बटन नॉट या ऐसे रोज बीडेड नॉट भी कहते हैं, ये नॉट हमें यहाँ पे बनानी है। इस तरह खींच के यहाँ पे हम फिर से एक सिंपल स्क्वायर नॉट कंप्लीट कर देंगे इस तरह। तो हमारी रोज बीडेड नॉट बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर से हम कॉर्नर का येलो कॉर्ड लेंगे और सारे कॉर्ड पे यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह जिस तरह हमने सेट पाइपिंग करी इस तरह यहाँ भी हम येलो कॉर्ड पे सारे कॉर्ड से पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब फिर से हम येलो कॉर्ड पे इन फोर कॉर्ड से पाइपिंग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। इसी तरह इस साइड भी हम पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग दोनों साइड कंप्लीट कर ली है। फोर कॉर्ड आ गए हमारे पास येलो कलर के। यहाँ पे हम एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे। इस तरह इसके बाद हम फिर से इस कॉर्ड पे, येलो कॉर्ड पे सारे कॉर्ड से यहाँ तक हम फाइव कॉर्ड की पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे हम। देखिए एक साइड की पाइपिंग कंप्लीट करी है, अब यहाँ भी हम इसी तरह पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। फिर से हम एक येलो कॉर्ड पे फोर कॉर्ड से पाइपिंग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। इसी तरह इस साइड भी हमें पाइपिंग कंप्लीट करना है। पाइपिंग कंप्लीट हो गई है हमारी दोनों साइड से। फोर कॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गए येलो कलर के। फिर से हम यहाँ पे एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे जिस तरह हमने यहाँ लगाई थी। इसके बाद फिर से हम रामा ग्रीन कलर का कॉर्ड लेके सारे कॉर्ड से पाइपिंग कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे।
तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह हमने यहाँ पाइपिंग करी है, यहाँ भी हम पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। दो ग्रीन रामा ग्रीन कॉर्ड हमारे पास बीच में आ गए। इसी तरह हम ये दो कॉर्ड से भी सारे कॉर्ड पे पाइपिंग करके इस तरह कंप्लीट कर लेंगे हम। तो फोर रामा ग्रीन कॉर्ड हमारे पास बीच में आ गए। फिर से हम रोज बीडेड नॉट बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने थ्री स्क्वायर नॉट लगा ली है। इसके बाद हम फिर से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम बीच से निकालेंगे इसे। फिर से एक सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ लगा देंगे हम इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें इसे कंप्लीट करते जाना है। फिर से हम पाइपिंग करेंगे, इस तरह ये कंप्लीट होता जाएगा हमारा। ये हम तोरण का बेल्ट बना रहे हैं। इसी प्रोसेस से हमें इसे कंप्लीट करना है। जितना आपका डोर का लेंथ है, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तोरण का बेल्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। इस तरह इसके बाद हम यहाँ पे रिंग अटैच करेंगे। इसके लिए बीच के कॉर्ड लेंगे हम। पहले सबसे पहले बीच के टू कॉर्ड में से एक कॉर्ड लेके हम ये रिंग के ऊपर से इस तरह डालेंगे। हमने इस तरह डाला। इसके बाद इसको इस तरह राउंड घुमा के फिर से अंदर की साइड से इस तरह हमें डालना है। और यहाँ से बीच से इसे हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर एक नॉट लग जाएगी टाइट। इस तरह हमें करना है। और इसको पीछे की साइड लाके, पीछे की साइड लाएंगे हम और यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देंगे सेकंड वाले कॉर्ड के साथ इस तरह। और बाद में इसे कट करके यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे इसे। इसी तरह आपको सारे कॉर्ड इसमें अटैच करना है। ये जैसे टू कॉर्ड है हमारे पास, इसमें से हम एक कॉर्ड लेंगे फिर से इस तरह ऊपर से डालेंगे। यहाँ से फोल्ड करके और बीच से हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। इस तरह ही लग जाएगा। और इसे पीछे की साइड ले जाके हम जो हमारा एक और कॉर्ड बचा है, इसमें हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे और यहाँ पे स्टिक कर देंगे हम कट करके। सारे कॉर्ड हमें इसी तरह अटैच करके कट करके पीछे की साइड स्टिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कॉर्ड इसमें अटैच कर दिए हैं और पीछे की तरफ कट करके स्टिक कर दिए हैं। इस तरह हमें स्टिक करना है इसे। तो इस तरह हमारा बेल्ट बन के कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम कॉर्ड अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने येलो कलर के कॉर्ड लिए हैं। ये मैंने 2 मीटर इंच कॉर्ड लिया है। इसे हम अटैच करेंगे इसमें। अब यहाँ से हम 1 2 3 3 यहाँ से छोड़ देंगे। 3 पाइपिंग छोड़ने के बाद 4 वाली में हम इसे डालेंगे।
इस तरह हमें सारे कॉर्ड इसमें अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फोर कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। इसी तरह फोर कॉर्ड हम ग्रीन वाले भी यहाँ अटैच करेंगे। ये भी मैंने 2 मीटर रीच कॉर्ड लिया है। इस तरह फोर कॉर्ड भी हम यहाँ पे ग्रीन वाले अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कॉर्ड हमने अटैच कर लिए। इसी तरह फोर कॉर्ड हमने येलो लिए, फिर फोर ग्रीन, फिर फोर येलो। इसी पैटर्न में हमें सारे कॉर्ड बेल्ट में अटैच करना है। ये सारे कॉर्ड 2 मीटर ईच हैं। तो फ्रेंड्स, कॉर्ड अटैच करने के बाद हम सबसे पहले पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक सेट लिया है पूरा डिज़ाइन का। इसमें फोर कॉर्ड येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो। इस तरह हमने 3 स्ट्रिप येलो के लिए और 2 स्ट्रिप हमने ली है ग्रीन की। इसका हम पैटर्न तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फोर कॉर्ड लेंगे। ये फोर कॉर्ड लिया है हमने। इसमें से ये 2 कॉर्ड इस साइड करके 2 कॉर्ड से हम पाइपिंग करेंगे। बीच के ये 2 कॉर्ड हैं, यहाँ पर हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग कंप्लीट करी हमने। अब इस साइड में ये कॉर्ड लेके इस पर पाइपिंग कर देंगे हम। दोनों साइड हमने एक एक पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम सेकंड वाला कॉर्ड लेंगे। इस पर फिर से इस पर हम पाइपिंग करेंगे सारे कॉर्ड से। ये हमने पाइपिंग कंप्लीट करी। इसके बाद फिर से अब इस साइड का एक इस कॉर्ड ये कॉर्ड लेंगे सेकंड वाला, और इस पे सारे कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। दोनों साइड हमने 2-2 पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ये जो 2 कॉर्ड कॉर्नर के हैं, इसे हम छोड़ देंगे। बीच के 4 कॉर्ड में हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर नॉट लगानी है।
ये हमने 1 2 3 स्क्वायर नॉट लगाई है। अब हम इसे फोल्ड करके जो नॉट हमने रोज बीटेड नॉट ऊपर बनाई थी वही नॉट हम इसमें भी बनाएंगे। फिर से सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे। नॉट लगा ली हमने। इसके बाद कॉर्नर के जो कॉर्ड हमने छोड़े थे इस पे हम 2 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। सेम इसी तरह हम इस साइड भी करेंगे। इस कॉर्ड पे ये 2 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग कर दें। बीच के 2 कॉर्ड आए हैं, इस कॉर्ड को नीचे करके इस कॉर्ड के ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। कर चुके हम। अब फिर से हमारा कॉर्नर का कॉर्ड है इस पे हम 3 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा टाइट पाइपिंग करना है। इसी तरह इस साइड भी हम कॉर्नर वाले कॉर्ड पे 3 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। हमने पाइपिंग कर दी। इसके बाद इसी कॉर्ड पे हम इस कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। तो इस तरह हमारा एक डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपको ग्रीन कॉर्ड में भी बनाना है यही डिज़ाइन। उसके बाद फिर से हम येलो में बनाएंगे 4 कॉर्ड में, फिर ग्रीन में, फिर येलो में। ये वाली डिज़ाइन हमें सारे कॉर्ड में कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कॉर्ड में डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम ये वाली 2 डिज़ाइन लेंगे। इसमें हम ग्रीन कॉर्ड पे ये 4 कॉर्ड हम अलग कर देंगे। इन 4 कॉर्ड से हम ग्रीन कॉर्ड पे पाइपिंग करेंगे। अब सेकंड वाले कॉर्ड में पाइपिंग करना है हमें। सेकेंड वाले कॉर्ड में भी पाइपिंग कर दी हमने। थर्ड वाले कॉर्ड में करेंगे हम पाइपिंग। और इसी तरह 4 वाले कॉर्ड में भी पाइपिंग कर लेंगे हम।
तो इस तरह हमने इस साइड की पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे ये वाले में भी पाइपिंग कंप्लीट करना है। अब इस साइड भी हम ग्रीन कॉर्ड पे येलो कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। ये फोर कॉर्ड हमने ले लिए हैं, इन फोर कॉर्ड से पाइपिंग होगी। अब सेकंड कॉर्ड पे करेंगे हम पाइपिंग। सेकेंड कॉर्ड पे भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड वाले कॉर्ड पे करेंगे हम पाइपिंग। थर्ड वाले में भी इस तरह कंप्लीट करेंगे हम, और फोर्थ वाले में भी इसी तरह हम पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस साइड की पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हम इस साइड भी फोर कॉर्ड लेके, अब ये कॉर्ड हमारे अलग हो जाएंगे, इन फोर कॉर्ड पे पाइपिंग करेंगे हम। तो ये इस तरह पाइपिंग हो जाएगी इस पर, और इस साइड भी हम फोर कॉर्ड लेके ऐसे पाइपिंग कर देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फिर से हमें इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। इसके लिए हम फिर से ये फोर कॉर्ड हमारे अलग हो गए, फोर अलग हो गए, यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। एक साइड पाइपिंग हो गई हमारी, इस साइड भी हम पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड पे एक बार और पाइपिंग बनाएंगे। इस साइड भी बना लेंगे हम। इसके बाद ये टू कॉर्ड छोड़ देंगे हम यहाँ पे कॉर्नर के। फोर कॉर्ड में सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे हम, थ्री स्क्वायर नॉट लगानी है हमें यहाँ पे भी। इस तरह टाइट कर लेंगे इसे हम। इसके बाद इसे फोल्ड कर देंगे हम। फिर से स्क्वायर नॉट।
कॉर्नर का कॉर्ड लेंगे, इस पर 3 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम ये वाले कॉर्ड पे 2 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इस साइड भी हमें यही करना है। इसके बाद इस कॉर्ड पे इस कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इसके बाद इस कॉर्ड पे हम 3 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इस साइड भी हम 3 कॉर्ड से पाइपिंग कर लेंगे। इसके बाद इस कॉर्ड पे हम ये वाले कॉर्ड पे नीचे वाले कॉर्ड से पाइपिंग कर लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम ग्रीन वाले में भी बनाएंगे और येलो वाले कॉर्ड में भी हम ये बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है तीनों। इसके बाद हम फिर से पाइपिंग कंटिन्यू करेंगे। अब इसके लिए हम येलो कॉर्ड पे ग्रीन कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इसी तरह हम सारे कॉर्ड पे पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 4 कॉर्ड में ग्रीन पाइपिंग कंप्लीट हो गई है एक साइड। इस साइड भी हम येलो कॉर्ड में ग्रीन पाइपिंग करेंगे। यहाँ भी हमें 4 कॉर्ड में ग्रीन पाइपिंग कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, इसी तरह हम इन 3 कॉर्ड में भी ग्रीन पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। फिर से 4 कॉर्ड, हमारे पास 8 कॉर्ड आए हैं। अब इन 8 कॉर्ड की हम सेम यही पैटर्न, इसी डिज़ाइन को हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाली डिज़ाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है और ये वाले ग्रीन कॉर्ड में पाइपिंग नहीं थी, इसलिए हम इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पे 1-1 पाइपिंग दी है ग्रीन कॉर्ड की। इस साइड किस तरह बनाना है ये मैं इस साइड आपको बताऊंगी। येलो कॉर्ड में हमारी पाइपिंग है, यहाँ भी पाइपिंग है, इसलिए हम यहाँ पे पाइपिंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इन 4 कॉर्ड में हम पाइपिंग करेंगे। इस तरह आपको पाइपिंग कर लेना है इससे।
इससे ये स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ से खुलने का इसका डर नहीं रहेगा। तो हमने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम सारे कॉर्ड को कट करेंगे। इस तरह कट करना है आपको कॉर्ड को, और पीछे की साइड हम इसे स्टिक कर देंगे। तो इस तरह आपको सारे कॉर्ड कट करके स्टिक करना है। बीच के टू कॉर्ड्स हम यहाँ पे बेल लगाने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कॉर्ड हमने कट करके पीछे की साइड हमने यहाँ पे स्टिक कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने टू कॉर्ड बोले थे, लेकिन मैंने वन ही कॉर्ड छोड़ा है बेल के लिए। अब यहाँ हम बेल अटैच करेंगे इसमें, इसको इस तरह डाल के और पीछे की साइड हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इस तरह तो एक पैटर्न बनके हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, एक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे फोर ग्रीन कॉर्ड आए हैं। इसमें हम यही डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन सिंगल बनाना है, इसलिए मैंने हाफ मीटर के फोर कॉर्ड यहाँ लिए हैं। तो इस पैटर्न को यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है सिंगल वाला। अब ये सारे कॉर्ड हम कट कर लेंगे, और बीच के टू कॉर्ड थोड़े लॉन्ग कट करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कट कर लिए हैं कॉर्ड, इसको हम स्टिक कर देंगे पीछे की साइड। सारे कॉर्ड हमने स्टिक कर दिए हैं पीछे। अब ये टू कॉर्ड में हम बेल डालेंगे। ये मैंने चेरी बेल ली है, इसमें चेरी शेप की। यहाँ पे हमने जिंगल बेल डाला है, यहाँ हम चेरी बेल डालेंगे। इसके बाद पीछे की साइड हम इसे स्टिक कर देंगे। इस तरह हमारा ये पैटर्न बीच का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। बीच में हमें ग्रीन कॉर्ड का इस तरह पैटर्न देना है सिंगल डिज़ाइन में। ये बनाया, इसके बाद ये बनाने के बाद हमने यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया। इस तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, हमारा मैक्रम तोरण बनके तैयार है। आप अपने डोर की लेंथ के हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्रम मैजिक आर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्कार।